लोनी नगर पालिका से चंद कदमों की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय गढ़ी कटैया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़ी कटैया लोनी दोनों ही विद्यालय आगे पीछे बने हुए हैं, जिनकी हालत कई वर्षों से जर्जर बनी हुई है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन यहां किसी का कोई ध्यान नहीं है। शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। लोनी SDM प्रेम रंजन ने औचक निरीक्षण किया और BSA और ABSA अधिकारी को लिखित में शिकायत निर्माण कराने के आदेश दिए। सर, आपने गढ़ी कटैया प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, औचक क्या पाया गया? देखिए, गढ़ी कटैया एक हमारे यहाँ स्कूल है गढ़ी कटैया में, तो वहाँ पे हमने आज निरीक्षण किया, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो स्कूल है उसका बाउंड्री वॉल ही नहीं है, बिना बाउंड्री वॉल के चल रहा है। तो उसके लिए हमने ABSA मैडम से बात करी है, अभी BSA से भी बात करेंगे कि कैसे जल्द से जल्द उसमें जो है बाउंड्री वॉल बनाया जाए। दूसरा, वहाँ पे एक इशू था कि जो हैंडपम्प था उससे पानी से बहुत गंदा पानी आता था, तो उसके लिए हमने नगर पालिका से बात करी है। नगर पालिका ने आश्वस्त किया है कि उसको जो है तुरंत कार्रवाई करेंगे, उस पर उसको फिर से रीबोर करेंगे और जो भी उसमें सुविधाएँ हैं उसको सही करेंगे। तीसरा, हमने वहाँ पे शौचालय का निरीक्षण किया, तो शौचालय भी काफ़ी जर्जर हालत में पाए गए, यूज तो होते हैं लेकिन जर्जर हालत में है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी नगर पालिका से हमने बोला है और नगर पालिका उस पर अगले 3 दिन में जो है उसको जो है कार्रवाई करके और ठीक कराए। सर, वो बाउंड्री काफ़ी समय से टूटी हुई है इस प्राथमिक विद्यालय की, बाउंड्री वॉल और नाले का पानी बहुत, हाँ बाउंड्री वॉल जैसे निकल के बाउंड्री वॉल टूटा हुआ है, वहीं से एक नाला भी बहता है, तो सबसे मेन चीज़ है कि बाउंड्री वॉल बनना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि बाउंड्री वॉल का क्या शिक्षा विभाग में बजट है, नहीं बात किया जाएगा, उसको जरूर कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ बीमारी ज़्यादा उत्पन्न, बीमारी काफ़ी उत्पन्न होती है, बच्चों को खतरा भी बना रहता है, बाउंड्री वॉल नहीं है तो उधर से गाय भैंस और कुछ भी जानवर वगैरह अंदर आ जाते हैं, छोटे बच्चे हैं तो खतरा बना रहता है, तो उसको हम लोग जो है कार्रवाई करें। सर, कब तक कोई आश्वासन? उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।